आप सबका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम नज़ीर अकबर आबादी NIOS उर्दू 10th के नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म है आदमी नामा, इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी के बारे जान लेते हैं कुछ ख़ास ख़ास बात, कि जैसे इनकी पैदाइश 1773 में हुई और 1830 में इनका इंतकाल हुआ, और इब्तदाई तालीम ज़माने की आम रिवायत के मुताबिक पाई। अब नज़ीर अकबर आबादी के बारे में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट बता दें। उनकी शायरी जो में ऐसी ज़िंदगी है जो चलती फिरती तस्वीर नज़र आती है, नजरी मेलो ठेलो हर जगह इन्होंने शायरी की, मंदिर मस्जिद हर जगह, मजहबी जलसों सब जगह जाते थे। इसी वजह से इनकी शायरी में सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इन्होंने इसी तरह एक आदमी नामा लिखा है, तो इसे पढ़ लेते हैं क्या है आदमी नामे में। और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको PDF में भी मिल जाएंगे, मतलब ये PDF में भी आपको अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर वगैरह के लिए आप परेशान ना हो, सब मिलेगा इस चैनल पे। आदमी नामे में लिखा है, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो वो भी आदमी, सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। इसके आगे कहते हैं, यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और तेग ही तेग से और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, यानी तलवार से भी जो मारता है वो भी आदमी है, और जो आदमी को बचाता है वो भी आदमी है। इसके आगे भेज रहा है, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। बैठे आदमी ही दुकाने लगा लगा, और कहता है कोई लो कोई कहता है ला रे ला, और आदमी ही फिरते हैं रख पे सर पे खांचा, किस किस तरह से बेचे हैं चीजें बना बना। और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी, हेरा है यारो देखो तो ये क्या स्वांग है आदमी, आप आदमी ही चोर है और आप ही तांग है, ये छीन झपटी और कहीं मांग तांग है, देखो तो आदमी ही यहाँ मिसले रांग है, फौलाद सा खड़ा है सो है वो भी आदमी। इसके बाद इसके अल्फाज मानिए और फिर यहाँ पे इनकी तशरी, ये आप देख सकते हैं तशरी वगैरह सब हुई हुई है, तो आप तशरी भी यहाँ से मुतजाद अल्फाज है और मुहावरों के मानी है और उनके अल्फाज में इस्तेमाल है, अगले पेज पे भी है आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें तशरी के साथ यहाँ पे है। सवाल जवाब है इसमें, मुहावरों को पहचाने और उनके बारे में लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बहुत आसानी, और देखिए PDF की शक्ल में भी आपको अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबक नंबर देखिए जो चाहिए उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी आराम से उतारिए। उसके बाद यहाँ पे भी है देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जैसे ये है अल्फाज बद लगा कर बना है, जैसे सूरत बद सूरत, इसी तरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं बहुत अच्छे और उमदा अंदाज में है, तो यहाँ पर तशरी भी हुई हुई है तशरी के साथ है। और देखिए इसमें जो है क्या क्या सवाल आ सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने टिक कर रखे हैं, जैसे इस नज़्म में शायर किन किन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाता है, नज़्म में आदमी के किरदार से मुताल्लिक कौन कौन से पहलू हैं, ठीक है पेपर में आने वाले जो है उन पे मैंने टिक कर रखा है। नज़्म में जैसे ये है, नज़्म हरफ अत्फ ढूँढ कर लिखिए, दो लफ्ज़ों से मिलकर जो बनता है, नज़ीर अकबर आबादी खालिद हिंदुस्तानी शायर है वाजे कीजिए। इसके बाद जो अगले पेज पे ये है आदमी नामा, मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म किसे कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नज़्म किसे कहते हैं पेपर में अक्सर आता है, नज़्म किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। और मुहम्मद से क्या मुराद है, ठीक है मुहम्मद किसे कहते हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं, मुतज़ाद मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं अपोजिट वर्ड को, मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी के स्लोप पर रोशनी डाली, तो यहाँ पे पूरी हो जाती है और आपको इंशाल्लाह ये PDF की शक्ल में ही मौजूद रहेंगी, और इंशाल्लाह इसी तरह आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगी 10th क्लास में उर्दू से रिलेटेड, NIOS का सारा मटेरियल इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा PDF की शक्ल में भी, और वैसे भी मैं क्वेश्चन आंसर लिख के आपको देता रहूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर भी कोई भी डाउट है तो आप फ़ोन नंबर दे रखा है मैंने, फ़ोन नंबर पे भी कॉन्टेक्ट
कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सभी तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।